जी नीलेश जी प्लीज स्टार्ट। जी ओहनावतु सहनौनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए योग का जो मूलभूत अवधारणा है, जो फंडामेंटल्स है, उसका इतिहास है, उसके ऊपर एक गौर करते हैं। आइए जो हमारा कोर्स है इसमें तीन इसके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें दो एक प्रैक्टिकल और दो थ्योरेटिकल हैं। उसमें से पहले के हम सब चैप्टर पर प्रवेश करते हैं। ये इस पर आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। जी नीलेश मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी ये हमारा इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट, ये हमारा पहला ब्लॉक है। इसमें हम आते हैं, मूव करते हैं। इसकी यूनिट वन है एटिमोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा। योग शब्द ये अपने आप में कई अर्थों को अपने अंदर समाया हुआ है। योग शब्द आज हम जिस फॉर्मेट में इसका उपयोग कर लेते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब ग्रंथों की ओर नजर दौड़ाते हैं जो इसके ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं, महर्षि पतंजलि जी का पातंजल योग सूत्र, योग दर्शन जिसे हम कहते हैं, हठ ग्रंथ है, शिव संहिता है, या हमारे वेद हैं, तो वहां पर योग शब्द का अर्थ हम भिन्न भिन्न पाते हैं। तो हम योग शब्द के ऊपर सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो योग का शाब्दिक अर्थ की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो योग संस्कृत की युज धातु से बना है। युज धातु महर्षि पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अनुसार युज धातु का तीन धातुओं के रूप में, तीन अर्थों के रूप में इसका प्रयोग हम देखते हैं। युज संयम ने, युजिर योगे और युज समाधव। युजिर योगे योग, यहां जो युजिर योगे आया है युज धातु से बनता हुआ, तो योगे का अर्थ यहां पर जोड़ना है। ये एक सामान्य परिभाषा हम आजकल भी सुनते हैं, कोई भी जो गहरा योग के भीतर नहीं गया है लेकिन योग को ऊपर से केवल जानने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे साधक भी योग को कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन, पुरुष का प्रकृति से मिलन, सृष्टि का प्रकृति से मिलन, परमेश्वर से मिलन, इस प्रकार के अलग अलग हम इसकी डेफिनेशन को सुनते हैं। तो वो डेफिनेशन आई है युजिर योगे शब्द से, युजिर योगे जो धातु है उससे। इसके बाद आता है युज संयम ने। ये युज संयम ने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रुचिकर शब्द है जो इसका योग का अर्थ बताता है। युजिर योगे युज संयम ने में जो संयम शब्द है इसका जो व्याख्या है महर्षि पतंजलि जी ने युज योगे की व्याख्या बताई है, युज संयम ने की व्याख्या बताई है, उसके अनुसार जब धारणा ध्यान और समाधि जो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार अंतरंग योग के साधन है,
अष्टांग योग की अंतिम तीन सीढ़ियां हैं, सबसे ऊंची सीढ़ियां हैं। तो जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का हम मिश्रण करते हैं, तीनों के ऊपर जब साधक विजित हो जाता है तो वो युद्ध संयम ने बन जाता है। संयम का अर्थ है जो हम आज बोलचाल की भाषा में, हमारे लेमेन की भाषा में हम जो लेते हैं, वो संयम कुछ हद तक कंट्रोल के रूप में और अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करने संबंधित इसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम योग की भाषा में बात करेंगे तो वह संयम का अर्थ धारणा, ध्यान और समाधि का मिश्रण रहेगा, यानी पूरा अंतरंग योग है वो संयम में। लेकिन जो तीसरा अर्थ है इसका, युद्ध समाधव, युद्ध समाधव का अर्थ होता है, महर्षि पतंजलि जी ने जो भी योग के बारे में जितने भी 195 सूत्रों में, योग सूत्र के, योग दर्शन के 195 सूत्रों का उन्होंने वर्णन किया, उसका एक महाभाष्य हमारे ऋषि व्यास जी ने किया, और ये सबसे प्रामाणिक और सबसे सर्वप्रथम महाभाष्य योग दर्शन का कहलाता है। और इसी योग दर्शन में योग शब्द की जो डेफिनेशन है वो महर्षि व्यास जी ने बताई, योग समाधि ही। केवल दो शब्द की डेफिनेशन, योग समाधि ही। महर्षि पतंजलि जी ने एक डेफिनेशन अलग बताई, उन्होंने बताया योग चित्तवृत्ति निरोध है, या योग चित्तवृत्ति निरोध है, दोनों कह सकते हैं हम। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध वो योग है, लेकिन महर्षि व्यास जी ने उसे और भी केवल एक ही शब्द तक समेट दिया, योग क्या है, समाधि योग है। समाधि क्या है फिर उसके बारे में हम और आगे जानेंगे, अभी हम आज केवल बेसिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। समाधि शब्द अपने आप में बहुत गहराई दिए हुए हैं। तो युद्ध समाधव, ये तीन शब्द हम सबको इस ध्यान रखने चाहिए। तो मैं एक बार पुनः इसका दोहराव कर देता हूं, योग शब्द का जो तीन शाब्दिक अर्थ है महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अनुसार, महर्षि पाणिनि जी ने जो बताए, युद्ध योगे, युद्ध संयम ने और युद्ध समाधव, तो ये तीन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। और इन तीनों का मैंने विस्तार करके बताया, और इसमें से भी हम महर्षि व्यास जी का जो प्रमाणिक, जो उन्होंने अपनी तरफ से जिसको प्रमाणिक कर दिया, ऑथेंटिफाई कर दिया है, वो शब्द है युद्ध समाधव। तो योग का अर्थ जब हम ग्रंथानुसार योग को लेकर चले तो हम योग का अर्थ केवल और केवल समाधि के रूप में लेकर चले, तो हम उन महर्षि पतंजलि जी के उस समय जब वो लिख रहे थे, रचना कर रहे थे, उस माइंड सेट के साथ हम जुड़ाव कर पाएंगे। अगर महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन लिखा है हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, और उस सारी चीजों को जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में तुलना करने बैठेंगे तो ये अन्याय संगत हो जाएगा, ये चीज रिलेट हम उसके साथ नहीं कर पाएंगे। रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हम उन सूत्रों के अर्थ को समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए योग को समाधि के रूप में हम ग्रंथानुसार जब लेकर चलेंगे, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार या आज के हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार समझेंगे, तो योग का शब्द अर्थ हम भिन्न ले सकते हैं। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा, बल्कि मेजर मेजोरिटी में उसका हम उसका मतलब कंट्रीब्यूशन लेकर चल सकते हैं। लेकिन ग्रंथानुसार जब हम योग की बात कर रहे हैं तो युद्ध समाधव, ये हमारा योग का वास्तविक अर्थ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके पहले ब्लॉक में हम आगे देखते हैं कि अलग अलग योग की परिभाषाएं। ये दरअसल इसमें बहुत तेजी से बहुत सेंसिटिव टच हो गया है ये गूगल मीट में। हाँ, तो यहाँ डेफिनेशंस के ऊपर हम आ जाते हैं। देखिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, महर्षि व्यास जी का सबसे पहला और सबसे प्रमाणिक, आज तक का सबसे प्रमाणिक जो महाभाष्य है योग सूत्र पर, वो महर्षि व्यास जी का माना जाता है। तो इसके अनुसार योग समाधि। और आप एक चीज और देखिए, योग हमारे ऋषियों के अनुसार किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं कर सकते। जो महर्षि पतंजलि जी ने भी योग दर्शन लिखा तो उसमें पहला उन्होंने सूत्र दिया
पहले पाद का पहला सूत्र दिया अर्थ योगानुशासनम, और दूसरे ही सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध कहकर उन्होंने योग की डेफिनेशन को शुरुआत में ही क्लियर कर दिया। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, फिर आगे के सारे चैप्टर फिर योग के ये चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, उनका निरोध हो जाना क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, उसके क्या क्या साधक तत्व हैं, क्या बाधक तत्व हैं, सारी चीजें आगे फिर जाके खुलती हैं। यानी कॉम्प्लेक्सिटी और किसी प्रकार का उन्होंने उसको रास्ते को पढ़ने के रास्ते को दुर्गम नहीं बनाया, और ऐसा ही हम महर्षि व्यास जी के बीच में देख रहे हैं। इसमें जब लिंक दिया हुआ है तो योग भाष्य, योग सूत्र का व्यास भाष्य, इसके पहले चैप्टर का पहला ही सूत्र योग है समाधि, तो ये बहुत बड़ी बात है। अनदर कमेंटेटर ऑफ योग सूत्र वाचस्पति मिश्रा आल्सो एग्रीज विद व्यास इन द फेमस मेंट। तो एक तत्व वैशारदी में भी वाचस्पति मिश्र जी ने एक उनकी जो महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है उसका इन्होंने अनुसरण किया है, ऐसा बता रहे हैं। तो मैं अगला महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र इसके बारे में मैंने बता दिया है, योग है चित्त वृत्ति निरोध है, दूसरा ही सूत्र था। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्थान स्थान पर योग की चर्चा आती है, और योग कितना महत्वपूर्ण विषय है, हमारे जीवन से कितना रिलेट करता है, इसका एक संकेत हमें इस प्रकार से मिलता है कि दुनिया ना केवल आज से हजारों हजार वर्ष पहले बल्कि आज इतने आधुनिक काल में पहुंचने के पश्चात भी जिस एक पुस्तक, जिस एक ग्रंथ के प्रति संसार का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वेस्टर्न फिलोसफर से लेकर साइंटिस्ट तक हर कोई फॉलो कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता ने अनेकानेक ओपनहाइमर जैसे जो जिन्होंने परमाणु बम का पहली बार मतलब जिन्होंने इजाद किया था परमाणु बम का, और जब हिरोशिमा नागासाकी पर वो डाला गया था तो उसके पश्चात उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, वो सोच रहे थे कि मैंने किस प्रकार का मानवता का नुकसान किया है। ऐसे समय में भी उनकी निराशा भरे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता ने ही उनको निराशा से बाहर निकाला था, और फिर तत्पश्चात उन्होंने आजीवन श्रीमद् भगवत गीता के सहारे रहे और उसका प्रचार प्रसार किया। तो महान से महान वैज्ञानिक, महान से महान चिंतक, फिलोसफर सभी ने श्रीमद् भगवत गीता का सहारा लिया है। और हमारे लिए एक विशेष बात यहाँ से नोटिस करने लायक ये है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने 18 के 18 अध्यायों का नाम योग के ऊपर रखा है, चाहे वो अर्जुन विषाद योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, इस प्रकार से। तो इसलिए ये भूमिका बतानी इसलिए आवश्यक है ताकि हम श्रीमद् भगवत गीता की ऑथेंटिसिटी को जीवन में प्रमाणिक स्थान दें, उसे गहरी मान्यता दें, और उसमें जो लिखा हुआ है उसके प्रति हम सचेत होकर उन चीजों को समझें। तो क्या कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्, ये तीन शब्द आपने, योग से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से, और ना भी जुड़ा हुआ है तो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने ये तीन शब्द जरूर सुने होंगे, योग है कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो योग कहाँ, हमारे मंतव्य कहाँ, हमारी धारणा ये होती है कि हम इस प्रकार से पद्मासन आदि लगाकर बैठे हैं, हम कमर सीधी करके इस प्रकार से ध्यान मुद्रा आदि लगाकर बैठे हैं तो ही योग कहलाता है। योग है कर्मसु कौशलम, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं योग है कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करना, उन्हें निरंतर बेहतर करते चलना, ये भी योग है। वो कार्य कुछ भी हो सकता है, अगर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमारे पढ़ाई करने का या पढ़ाने का या लिखने का, किस प्रकार से इक्विपमेंट्स को और बेहतर और स्किलफुल तरीके से और ऑब्जेक्टिविटी के साथ किस प्रकार से हम उनका उपयोग करना शुरू करें,
किस प्रकार से हम उन चीजों में एफिशिएंसी प्राप्त करें, ये योग है, कर्मसु कौशलम है, यही योग है। चीजों का किस प्रकार से अधिकतम उपयोग करें, समय के किस प्रकार से अधिकतम उपयोग करें, योग है कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक स्थान पर फिर समत्वम योग उच्चते के बारे में भी हम सुनते हैं। ये दो दूसरे अध्याय का 48वां और दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है, समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते। इसका अर्थ हम महर्षि पतंजलि जी के पातंजल योग सूत्र में भी देखते हैं। सीधा सीधे रूप में व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उसके जीवन में सुख भी बराबर रूप से आते हैं, दुख भी बराबर रूप से आते हैं। समाज जीवन में रहते हुए उसे गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, सर्दी भी सहन करनी पड़ती है, चाहे वो एकाकी रहे, कहीं हिमालय पे चला जाए तो भी उसे भूख भी सहन करनी पड़ती है, प्यास भी सहन करनी पड़ती है। परिवार समाज में सम्मान भी होता है तो कभी कभी अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के आने जाने के मध्य योग और योगी की परिभाषा क्या स्थापित कर दी, इन्हीं सुख दुख मान अपमान भूख प्यास सर्दी गर्मी तपस्याओं के मध्य रहते हुए व्यक्ति सम रहे, बैलेंस रहे, सुख आए तो इतराए नहीं, दुख आए तो घबराए नहीं, ऐसा संतुलित जीवन जब बन जाए तो वो योगी का जीवन कहलाता है और वो स्थिति योग कहलाती है। ये भी श्रीमद् भगवत गीता के एक डेफिनेशन में आता है। इसी प्रकार से अलग अलग डेफिनेशन वशिष्ठ संहिता के अनुसार की जीवात्मा का परमात्मा से मिलन या यूनियन एक ही बात है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। फिर संयोग, ये श्रीमद् भगवत गीता और अलग अलग डेफिनेशन है, तम विद्या दुख संयम योगम योग संजितम और दृष्ट दृश्य संयोगो हेतु, ये फिर अलग अलग डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो नहीं कहलाएंगी, ये बताता है कि भाई दृष्टा और दृश्य का जब संयोग हो जाता है, जब दोनों एक हो जाते हैं तो यही दुख का कारण होता है। ये अलग है, ये थोड़ा और ऊपर का टॉपिक हो जाता है, डेफिनेशन में नहीं कहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, कैवल्य उपनिषद, यानी ये डेफिनेशन है अलग अलग प्रकार की, आत्मा को श्रद्धा भक्ति और ध्यान पूर्वक जानना कैवल्य उपनिषद के अनुसार, इस प्रकार की डेफिनेशन बहुत है। लेकिन अगर हम मुख्य डेफिनेशन की बात करें, जितने भी संत महात्मा हुए हैं सभी ने अपने अपने अनुसार योग को समझा है, अपने जीवन में अपने अनुभवों से अपने ध्यान से योग का अलग अलग उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो सबके अपने अपने डेफिनेशन है। और हम ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि इनकी डेफिनेशन गलत है क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आई या मुझे वो पता नहीं चल रही या मैं उससे मैं उसको मतलब मान नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब महात्माओं ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपने अपने ध्यान के अनुसार योग का अलग अलग स्वरूप देखा है। जैसे हम कई बार एक वेस्टर्न फिलोसफी में एक कथा आती है कि कुछ अंधे व्यक्ति, कुछ दृष्टिहीन व्यक्ति हाथी को देखते हैं, एक हाथी को देखते क्या मतलब उसका अनुभव करते हैं, कोई सूंड पकड़ता है, सूंड पकड़ता है तो अंधा व्यक्ति उसको कहता है कि ये एक बहुत बड़े पाइप की तरह है, कोई उसकी पूंछ पकड़ता है तो वो कहता है ये रस्सी की तरह है, कोई उसके शरीर पर हाथ लगाता है, कोई पैरों पर हाथ लगाता है, तो सब अलग अलग उसके विवरण कर देते हैं। तो हाथी जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व, जितना हाथी का एक बहुत बड़ा विवरण हम दिया जा सकता है दृष्टिहीन लोगों के द्वारा, इसी प्रकार से योग एक इतना विशाल विषय है, इसको दो दो जैसे जैसे अनुभव करता है वो वैसा वैसा उसका विवरण करता है। लेकिन फिर भी योग के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र, योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन। तो उसके अनुसार जो योग की डेफिनेशन है वो है योग है चित्तवृत्ति निरोध है। तो हमने योग की डेफिनेशन योग चित्तवृत्ति निरोध है को ही, एक अगर हमें केवल एक डेफिनेशन पर रुकना है, केवल एक डेफिनेशन पर,
तो वो है योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब ये चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, निरोध हो जाना क्या है, ये हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विषय आगे बढ़ेगा हम इसको समझते जाएंगे। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, महर्षि अरविंदो के अनुसार इस प्रकार से अलग अलग ही सारी डेफिनेशन है। अब हम ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ योगा, योग का इतिहास क्या है और इसका उद्भव कहां से हम माने, योग कहां से शुरू हुआ और इस किस प्रकार से आगे बढ़ा, जब हम आज 2023 में इसकी बात कर रहे हैं, विक्रम संवत 2080 में इसकी बात कर रहे हैं, तो 2023 तक इसकी जो यात्रा है उसको हम किस प्रकार से हम समझें। योग की डेफिनेशन हम समझी, योग के शब्द का अर्थ हमने समझा, अब योग की शुरुआत कहां से हुई, योग की शुरुआत के बारे में दो मत हैं, तो दोनों मतों के अनुसार एक वैदिक मत कहलाता है, एक वैदिक मान्यता कहलाती है, एक हठ की मान्यता कहलाती है, अवैदिक भी कह सकते हैं। तो वैदिक मान्यता के अनुसार योग जब से सृष्टि बनी है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से योग का संसार में उद्भव माना जाता है। वेदों की रचना के ऊपर भिन्न भिन्न मत हैं, किसी ने अपना अंदाजा लगाया, किसी ने अपना अंदाजा लगाया, लेकिन वैदिक मत में एक मत ये भी है कि आज से जब से सृष्टि की रचना हुई है, इसमें एक मत है कि आज से 1,53,124 वर्ष ये सृष्टि रचना का जारी है। तो इतने कालखंड में 1,96,08,00,000, इसको बोलते कि 1,90,80,53,65,000 चतुर्विंशति शतमे सृष्टि संवत्सरे, तो इतने लंबे कालखंड में लगभग 200 करोड़ वर्षों का जो कालखंड है, जब वेदों की रचना हुई, जब सृष्टि का अवतरण हुआ, तब से योग की महिमा और योग का गुणगान वेदों में लिखा है। और ऋग्वेद जो संसार की सबसे पहली पुस्तक है, केवल वैदिक मत के अनुसार ही नहीं, ये बात आज के समय पश्चिम विज्ञानी और पश्चिमी देश भी इस बात को मानते हैं कि संसार की सर्वप्रथम पुस्तक ऋग्वेद को माना जाना चाहिए। इसके प्रमाण जितने पुराने हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न रूप में हमें इसके पुराने प्रमाणों की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो कोई कम से कम कोई 8,000 वर्ष पहले, कोई 10,000 वर्ष पहले, जैसे रजनीश ओशो जी से 90,000 वर्ष पहले, या पश्चिम विज्ञानी कोई 20,000 वर्ष पहले पुराना तक तो मानते ही है, और उससे आसपास भी कोई अन्य पुस्तक हमें दिखती नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में योग का बार बार वर्णन आया है, तो इसे हम मान सकते हैं वैदिक मान्यता के अनुसार कि ऋग्वेद के अनुसार योग का उद्भव आज से हजारों हजारों वर्ष पुराना है। और इसमें भी शुद्ध रूप से अगर वेदों की बात करें, वैदिक मत की बात करें, तो आज से लगभग 1,96,08,53,123 वर्ष पुराना योग का उद्भव है। तो इसमें हम इतना पुराना जब इसका उद्भव है और वेदों में इसकी मान्यता आ रही है, तो हम महर्षि पतंजलि जी को हम इसके प्रमाणिक विवरणकर्ता के रूप में क्यों मानते हैं, तो उसका विषय हम आगे जानेंगे कि महर्षि पतंजलि जी और पतंजलि योग दर्शन को इसका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ क्यों माना गया, जब मत वैदिक है तो वैदिक मत के अनुसार तो वेदों को सबसे बड़ा प्रमाण मानना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें वैदिक मत के अनुसार इसका हमने कालखंड तो जाना, लेकिन ये योग का विषय कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें माना जाता है, एक सूत्र आता है, एक मंत्र आता है, सूत्र शब्द अलग होता है, सूत्र श्लोक मंत्र ऋचा ये सारे शब्द अलग होते हैं, तो अभी उसके विवरण पे नहीं जाएंगे। तो एक मंत्र आता है, एक ऋचा आती है वेद में,
ओम हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधार पृथ्वीं ध्यानुतेमं तस्मै देवाय हविषा विधेय। हिरण्य गर्भ, हिरण्य कोश स्वर्ण रूप में जो संसार को और नए नए ज्ञान को सृजित करने वाला है। हिरण्य गर्भ परमात्मा का एक नाम माना गया वैदिक मत के अनुसार। तो हिरण्य गर्भ से ये ज्ञान योग का आया महर्षि विवस्वान के पास, वहां से महर्षि मनु और फिर इक्ष्वाकु और फिर ये परंपरा आगे बढ़ती हुई अलग अनेक अनेक ऋषियों और फिर ऋषियों के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंची, साधकों तक पहुंची। तो ये एक मतों का एक ही क्रम है, हिरण्य गर्भ यानी स्वयं परमात्मा के द्वारा महर्षि विवस्वान तथापि महर्षि मनु तथापि फिर अपना इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु एक पूरा वंश है जिसका हम कई बार अपने संस्कृति में नाम सुनते हैं। तो इक्ष्वाकु से होती हुई परंपरा फिर सामान्य ऋषियों और फिर सामान्य जन तक पहुंची। तो ये वैदिक मत है। और फिर अब ये शुरुआत, ये उद्भव के ऊपर जो इसके दो भिन्न मतांतर हो चुके हैं वो मतांतर फिर पातंजल योग दर्शन तक आते आते बिल्कुल डायल्यूट हो चुके होते हैं, विलय हो चुका होता है उनका। तो अब दूसरा मत जो आता है ये मत है अवैदिक मत, या इसे अनार्ष मत भी कहते हैं। अनार्ष मत के अनुसार हमें सुनने को मिलता है कि आदि योगी शिव, योगीराज भगवान शिव जब माँ पार्वती जी को योग का पूरा वर्णन बता रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आदि योगी शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं, तो सबसे पहला ज्ञान आदि योगी शिव के पास है। भगवान शिव हठ योग अनुसार अथवा अवैदिक अनार्ष मत के अनुसार योग के उद्भव करता हुए सर्वप्रथम विवरण करता हुए, तो अनार्ष ग्रंथ के अनुसार योग की शुरुआत महायोगी हठ महायोगी शिव के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से फिर जब वो सुना रहे थे माँ पार्वती जी को, तब विवरण आता है ग्रंथों में कि वहीं पर ही एक मछली मत्स्य बोलते हैं, तो वो भी बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुनने लगी। फिर वही जिनका उन्होंने ही शरीर रूप धारण किया तो मत्स्येंद्रनाथ के रूप में बने, गुरु मत्स्येंद्रनाथ के फिर शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी, फिर वो परंपरा गुरु गोरखनाथ जी के माध्यम से चली हठ योग आदि की, वो एक अलग मत है, वो आगे हमारे विषयों के ऊपर आएगा। तो अभी इस जो हमारा बिंदु था कि योग की शुरुआत के दो मत हैं, मैं इसको पुनः कंक्लूड करता हुआ दोहरा देता हूँ। योग के दो मत हैं, एक वैदिक मत है, आर्ष मत है, उसके अनुसार स्वयं परमेश्वर जिनका नाम हिरण्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ से शुरुआत हुई और वो मैंने बताया इक्ष्वाकु तक वो पहुंची, फिर ऋषियों तक और फिर सामान्य जन तक वो पहुंची। दूसरा मत है अवैदिक मत, अनार्ष मत, जिसके अनुसार महायोगी आदि योगी शिव के द्वारा वो परंपरा माता पार्वती जी को सुनाते समय एक मत्स्य एक मछली ने सुना और फिर उसके माध्यम से फिर वो गुरु मत्स्येंद्रनाथ से होते हुए गुरु गोरखनाथ और फिर हठ योग की एक लंबी परंपरा में वो ढल गई। ये इसका शुरुआत का उद्भव काल था। अब हम आते हैं इसकी आगे की जर्नी किस प्रकार से रहती है। देखिए यहां पर भी इसका दिया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हिरण्य गर्भ से ये है, ये परंपरा है वैदिक मत की जो हिरण्य गर्भ से शुरू होती है। आदरणीय तेजपाल जी, क्या आप थोड़ी सहायता कर सकते हैं? ये जैसे शेयर वाला जो डॉक्यूमेंट है ये एक या दो बीच में पेज छोड़ रहा है। डायरेक्ट चेंज हो जाता है निलेश, एक्चुअल में पेज है, धीरे धीरे स्क्रॉल करके देखना,
ड्रॉप डाउन जो ये होते हैं एरो की डाउन की जो होती है ना उससे नीचे जाना शेयर वाले में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। अब नहीं नहीं जो कीबोर्ड में जो है ना जो एरो की होती है अप और डाउन जी वो कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल ये आगे बढ़ रहा है एक या दो पेज छोड़ रहा है बीच में। हाँ पता नहीं शायद दो या तीन छोड़ रहा होगा नंबर भी नहीं आ रहा है इसमें तो बीच में। कोई बात नहीं अगर आपके पास सभी पास है तो आप इसमें ठीक है मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसमें आप एक काम कर सकते हैं अगर वो स्लाइड पे नहीं आ रहा है आप अपनी तरफ से पीडीएफ फाइल खोल के वैसे उसको वर्णन कर सकते हैं और बच्चा क्योंकि अच्छा। इनके पास तो है हाँ इसको शॉर्ट कर लो और कर लो रिव्यू इसको रिव्यू हाँ ऐसे करके अब देखना मैं इस बार अच्छा वो स्टॉप हो गया शेयरिंग स्टॉप मिचल आप बात करना चाहेंगे एक बार मिचल रानी यस सर गुड मॉर्निंग सर हाँ गुड मॉर्निंग बेटा आपने बुक है आपके पास या अभी आई नहीं है नहीं सर बुक तो नहीं है सर बट हम पीडीएफ रखी है सर स्टडी मटेरियल हाँ 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 ठीक है बहुत अच्छे है बेटा थोड़े बहुत नोट भी बनाते रहना बेटा लिखते रहना है ना और बीच बीच में सर, तो आप नीलेश सर से बात करके उसका और अच्छी तरीके से जो सरलीकरण होता है वो आप जान सकते हैं जी सर ओके सर अगर आपको बीच में कोई भी समस्या हो कहीं किसी टेस्ट के ऊपर या दोबारा जानना हो तो आप बीच में बता भी सकते हैं जी सर ओके सर ठीक है मैं इसको तो हमने अभी योग की हिस्ट्री के ऊपर हम आगे चलते हैं जैसे मैंने बताया इसको फिर आगे चार ऋषियों के पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो हमारे चार वेद हैं उन चार वेदों के पास चार वेदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हिरण्यगर्भ के माध्यम से वो इस प्रकार से हुआ कि चार ऋषि जो मूल ऋषि हमारे सर्वप्रथम ऋषि हुए थे अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ये चार ऋषि रहे। ये चार ऋषियों ने अग्नि ऋषि अग्नि ने ऋग्वेद का सृजन किया ऋषि अग्नि ने ऋग्वेद का सृजन किया ऋषि वायु ने यजुर्वेद का सृजन किया ऋषि आदित्य ने सामवेद का और ऋषि अंगिरा ने अथर्ववेद का सृजन किया। तो ये चार वैदिक जब हम वैदिक मत की बात करते हैं तो ये बात भी एक ध्यान में लाने की होती है कि हिरण्यगर्भ ने किस प्रकार से वेदों का यहाँ पर संसार को एक मैनुअल के रूप में संसार को ये चार ग्रंथ सौंपे। तो ऋषि अग्नि ऋषि वायु ऋषि आदित्य और ऋषि अंगिरा इसको जैसे हमने जब याद किया था तो जैसे शुरुआत हमने पढ़ी थी तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा करके आर वाई एस ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इस प्रकार से एक तालमेल बिठाते हुए हम इसको कर सकते हैं। ये चीज सारे फैक्ट एक व्यक्ति के द्वारा याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है जब तक कि उसकी इंटेलेक्ट पावर बुद्धिमत्ता बहुत तेज ना हो बहुत तेज। तो इसके लिए छोटे छोटे हम चीजों के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये आता है हिरण्यगर्भ के माध्यम से चार वेदों का इस प्रकार से अनुष्ठान हुआ अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के माध्यम से। फिर वो विवस्वान के पास गया फिर वो महर्षि मनु के पास फिर वो इक्ष्वाकु के पास जाता हुआ फिर ऋषियों के पास पहुंचता है। अब हम आते हैं कि आज के कालखंड में जो आधुनिक कालखंड तक जो योग पहुंचा है इसकी धारा किस प्रकार से आगे बढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 1920 में 1920 में जो या 1920 के बाद की जो सिंधु घाटी की सभ्यताओं का लोगों ने जानना शुरू किया था जो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंधु घाटी सभ्यता हो हमारी या फिर मोहनजोदड़ो हो
इस प्रकार की जो हमारी सभ्यताएं थी इसमें अनेक अनेक ऐसे मुद्राएं मिली, अनेक अनेक ऐसे सबूत मिले जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के आसनों की छवि थी, विभिन्न प्रकार के प्राणायामों की छवि थी, विभिन्न प्रकार के योगियों का वर्णन था। तो उससे योग के बहुत पुरातन काल का होने का प्रमाण मिल जाता है और तब योग के प्रति दुनिया का बहुत एक गहरा आकर्षण भी पैदा हुआ था। तो 1920 की जो ये हमें सुनने को मिलता है 1920 और 1920 के तदोपरांत जितनी भी आर्कियोलॉजिकल जितने सर्वे हुए थे वो सब हमारे योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। सबसे पहला टाइम पीरियड हम वैदिक पीरियड कहलाते हैं। तो वैदिक पीरियड के बारे में मैंने कहा कि जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, जो मैंने इसमें समय बताया, चाहे वो 1 अरब 96 करोड़ वाला हो अथवा जो विभिन्न मतों के अनुसार हमें 10,000, 20,000 या 90,000 वर्ष पुराना जानने को मिलता है, तब से लेकर महाभारत के युद्ध तक, याद रखने की बात है, तब से लेकर महाभारत के युद्ध तक के जो कालखंड है उसको वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो तब योग का जो विकास हुआ उसके अंदर मैंने बताया ऋग्वेद आदि में या सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो योग की जो जानकारी आती है वो तो एक पक्ष है ही, उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता भी क्योंकि महाभारत युद्ध कालखंड में आती है तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग का वर्णन है वो भी इसी कालखंड में माना जाएगा। दूसरा, बहुत सारे उपनिषद हमारे आमतौर पर कुल 111 और इसमें मतांतर है, कोई 108, कोई 109, कोई 111 कहते हैं। तो इतने जो हमारे उपनिषद हैं उनमें से भी 10 उपनिषद प्रमुख हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू के, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, आरण्यक उपनिषद, इस प्रकार से अलग अलग उपनिषद हैं जो 10 प्रमुख हैं। तो उनमें से कुछ का कालखंड वैदिक में और कुछ का तदोपरांत जो अगला जो कालखंड आएगा उसमें आते हैं। तो जो वैदिक पीरियड है उसमें हमारे योग का विकास एक तो वेदों में, कुछ उपनिषदों में, इस चीज को ध्यान रखने की बात है, संपूर्ण उपनिषदों में नहीं, कुछ उपनिषदों में और श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ ये यह हमें जानने को मिलता है। और इसके पश्चात दूसरे कालखंड पर आते हैं, ये हमारा सूत्र और महाकाव्य पीरियड कहलाता है। सूत्र और महाकाव्य, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रेक पॉइंट या ब्रेक थ्रू या माइलस्टोन, कुछ भी शब्द हम उसको दे सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो इस कालखंड की है वो महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र है, योग दर्शन है। और ये इसलिए इतनी बड़ी उपलब्धि है और आज का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ क्यों माना जाता है, क्योंकि योग इससे पहले था, योग इससे पहले था लेकिन उसका बिखराव भिन्न भिन्न स्थानों पर था। कहीं योग के बारे में किसी को कुछ ढूंढना हो तो थोड़ा सा वेदों में से ढूंढा जाए, थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता में से ढूंढा जाए, कहीं उपनिषदों में से ढूंढा जाए। पहली बार उसका रिकलेक्शन करके उसको एक जगह पर सिस्टमाइज तरीके से एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में और मिनिमम सूत्रों के साथ, मिनिमम वर्सेस के साथ अगर उसका फॉर्मेटाइज करने का काम अगर पहली बार हुआ तो वो महर्षि पतंजलि जी ने किया। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी का पतंजलि योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण योग की दुनिया में हो जाता है। तो उसका भी कालखंड, उसके ऊपर भी अभी भिन्न भिन्न मत हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो एक व्यक्तित्व हुए उस व्यक्तित्व के ऊपर ही भिन्न भिन्न मत हैं। क्योंकि हमें एक सूत्र सुनने को मिलता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर सतवैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राणजल रानतोऽस्मि। यानी यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी के 3 विशेष गुण बताए,
योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, पद से, पद का अर्थ यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, पद का अर्थ हमारे शब्द उच्चारण इससे है, पदेन वाचा, पद से हमारी वाणी की शुद्धि करने वाला, और योगेन चित्त से पदेन वाचा मलम शरीर है, और मलों से हमारे शरीर की शुद्धि करने वाले महर्षि पतंजलि जी हुए। ऐसे महर्षि पतंजलि को जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा इस सूत्र में आता है। तो विभिन्न योगियों, विभिन्न रिसर्चर्स, विभिन्न शोधार्थियों का एक अलग अलग मत है कि ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं, या ये तीनों व्यक्ति तीन भिन्न भिन्न व्यक्ति रहे और इनका कालखंड भिन्न भिन्न रहा। तो इस नाते महर्षि पतंजलि जी का एक सटीक कालखंड प्राप्त करना बहुत कठिन हुआ, तो इसलिए उनको कहीं पर, इसलिए उनके लिए कहीं पर हमें सुनने को मिलता है कि महर्षि पतंजलि जी महात्मा बुद्ध से कुछ कालखंड पहले हुए, कहीं पर सुनने को मिलता है महात्मा बुद्ध से कुछ कालखंड बाद हुए, कहीं पर यह भी सुनने को मिलता है कि महर्षि पतंजलि जी महाभारत के तुरंत पश्चात हुए। तो ये भिन्न भिन्न मतांतर है, लेकिन ये बात तय है कि महर्षि पतंजलि जी का कालखंड महाभारत के पश्चात का ही था। अब वो तुरंत पश्चात का था अथवा वो महात्मा बुद्ध और के भी पश्चात का था, तो ये थोड़े थोड़ा भिन्न है। और महाभारत का कालखंड हम समझते हैं कि आज से 5150 या 57-58 वर्ष हो गए हैं, तो 5150 के आसपास 5100 वर्षों से अधिक का है। तो महर्षि पतंजलि जी भी 5000 वर्षों से अधिक पुराना उनका कालखंड नहीं रहा होगा। तो ये महर्षि पतंजलि जी और पातंजल योग दर्शन के कालखंड के बारे में कुछ बताया। तीसरा इसके बाद युग आता है टीका और वृत्तियों का। इस कालखंड में जो 600 से 1200 ईस्वी में हुई, 600 से 1200 ईस्वी ये माना जाता है, इसमें भिन्न भिन्न टीकाएं लिखी गई। टीका का अर्थ होता है टिप, जैसे हम आम भाषा में सुनते हैं कई बार टीका टिप्पणी। टीका शब्द का अर्थ है कोई एक मूल ग्रंथ लिखा गया है, उसके ऊपर आप अपनी तरफ से क्या समझ पाए उसको, आपने उसकी कहीं कमियां निकाली, आपने उसका उसमें से क्या इंटरप्रिटेट किया, तो इस प्रकार से टीका कहलाता है। तो ये इसका कालखंड रहा 600 से 1200 का। इसके पश्चात अगला कालखंड आता है हठ योग और भक्ति योग का। ये मिडिवल कालखंड था, मध्यकालीन युग था, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, जहां पर भक्ति योग का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। एक तरफ विदेशी आक्रमणकारियों से भारत जूझ रहा था, लेकिन इसी दौरान ही देश में योग की परंपरा भी बहुत पल्लवित हो रही थी। भक्ति योग के भी बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने देश में भक्ति योग की लहर चलाई हुई थी, चाहे वो महात्मा सूरदास जी हों, चाहे स्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे मीराबाई हों। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों का ये कालखंड रहा, संत रैदास को आदि हूँ। तो ये कालखंड हम 1200 से 1857 ईस्वी तक का मानते हैं, सन 1200 से 1857 ईस्वी तक का। और अब आते हैं आधुनिक युग में, आधुनिक काल में। ये काल के अनुसार हम बांट रहे हैं, हम योग की भूमिका के अनुसार ये कालखंड बांट रहे हैं। तो अंतिम जो कालखंड जो अब तक जारी है वो आधुनिक कालखंड है। इसकी शुरुआत हम 1857 से मानते हैं और 1857 से आज तक ये चल रहा है। तो इसमें 1857 से अगर हम शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाएगा वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का रहा, जिनकी जिनका जन्म 1824 में हुआ और जिनका शरीर त्याग 1883 में हुआ था। तो उन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और योग के प्रति भी उन्होंने अपना जो महाग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा विवरण किया। जो चार प्राणायाम के अभ्यास महर्षि पतंजलि जी ने पातंजलि योग दर्शन में लिखे, वो आधुनिक युग के वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी, जो उनका
सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुलास है, तीसरा अध्याय है, उसमें उन्होंने उन्हीं सभी प्राणायामों के बारे में लिखा है। ये प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, विषयाक्षेपी प्राणायाम। और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए और बच्चों युवाओं के लिए कहा भी है कि उन्हें आसन और प्राणायामों में अपना समय जरूर लगाना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, फिर स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने ये योग की परंपरा के साथ साथ भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा को विदेशों में बड़ा प्रचार प्रसार दिया। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही, स्वामी विवेकानंद जी का ही ये बहुत बड़ा योगदान रहा इसके पीछे कि उन्होंने विदेशों में योग के प्रत्येक ललक को जगाया। एक बार जरा मैं एक मिनट का समय दूंगा। जी जी निलेश में, निशा आप चैट बॉक्स में अपना नेम एंड रूम नंबर टाइप करेंगे? हाँ जी सर। निशा कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में ना आए, वैसे मिचल और आप, क्योंकि निशा थोड़ी लेट आए हैं, तो आप नीलेश सर से अच्छी तरीके से दोबारा से सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, विस्तार जान सकते हैं उसका। ठीक है, ये कार्यक्रम बेटा आप लोगों के लिए है। बुक्स अगर नहीं आई हैं तो डिजिटल फॉर्म में जो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनका प्रयोग करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जी सर। जी ओके सर। जी धन्यवाद। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे योग का और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में फैलाया। इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये हुआ कि यूरोप और पश्चिमी दुनिया को योग से और भारतीय संस्कृति से परिचय करने का एक अवसर मिला। और क्योंकि ये समय आधुनिक समय जो अभी मैं बता रहा हूँ 1857 से अब तक का, इसमें पश्चिमी देशों का बहुत विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके पास, एक मनस्थिति। कुछ आवाज में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक्स्ट्रा ध्वनि आ रही है, एक बार बोलना। हाँ नवप्रीत, आपका स्वागत है। नवप्रीत आप चैट बॉक्स में अपना अनोन नंबर नेम टाइप कर। ओके सर। जी एक बार अभी आप ठीक है? ठीक है नीले सर। जी। तो मैं बता रहा था स्वामी विवेकानंद जी का जो पुरुषार्थ पश्चिमी देशों में इसको फैलाने का रहा, उससे योग का किस प्रकार से भला हुआ कि इसकी सबसे पहली जो रिसर्चेस थी वो योग की, वो अमेरिका में शुरू हुई। और इसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा था। तो जब 1980s में योग की जो रिसर्चेस थी वो फलने फूलने लगी थी अमेरिका में, तो उनका एक रुख भारतीय ग्रंथों और भारतीय पुरातन संस्कृति के पीछे गया। और वहां से उन्होंने खोज खोज कर जो भारत के ऊपर एक लंबा कालखंड तक एक अज्ञान का एक साया सा हो गया था, तो वहां से भारत को निकलने में और भारत का गौरवगान होने में पूरी दुनिया में एक बड़ी सहायता मिली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा योगदान इसमें रहा।
इसके साथ साथ हम पी कृष्णमाचार्य जी, आयंगर जी, बी के एस आयंगर जी, और आधुनिक काल में अभी स्वामी रामदेव जी आदि, सदगुरु जी, श्री श्री रविशंकर जी, अनेक प्रकार के अनेक अनेक अब हम योग के महात्माओं को और एक्सपर्ट्स को हम देखते हैं जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके अपनी मेहनत से योग को भिन्न भिन्न स्वरूप देकर योग की समृद्धि को बढ़ाने का काम किया है। योग की समृद्धि को बढ़ाने का अर्थ ये है कि उसको जितना बड़ा योग का विस्तृत स्वरूप हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है वेदों में, हमारे पुराने ग्रंथों में, उसी प्रकार से आज भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरूप में, चाहे वो हठ योग हो, चाहे वो राजयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, सभी योगों में योग आज अपनी उन्नति के शिखर पर है और आने वाला युग योग और अधिक उत्थान को प्राप्त करेगा। तो ये आधुनिक योग में अभी हम हमारा हम चल रहे हैं। तो ये योग योग के युगों के बारे में बात हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान युग में जब से विश्व योग दिवस की घोषणा हुई है तब से योग निश्चित रूप से ग्लोबल हो गया है। आज योग का अगर हम कमर्शियल बाजार के बारे में बात करें तो योग का कमर्शियल जो बाजार है वो अरबों डॉलर्स में आ गया है। इसके साथ साथ योग दिवस आने के पश्चात हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि जब योग दिवस का पहली बार संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव डाला गया था भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस समय योग को एक कॉमन डे पर पूरी दुनिया मनाया जाए, इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 177 कंट्री मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे, यानी इसके इसका अनुमोदन करने वाले 177 देश थे, जिसमें से 57 कंट्रीज वो थी जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्योर मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये बात इसलिए कहनी आवश्यक है क्योंकि योग का किसी संप्रदाय, किसी समुदाय विशेष से कोई ना तो मतलब कोई अट्रैक्शन है, ना ही कोई मतलब इससे रिफ्लेक्शन है। तो योग के लिए 177 देशों का साथ आना योग की सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यापकता और इसके इसको पहचान बनाने की जो पूरे दुनिया में तड़प थी उसका एक प्रमाण मिलता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि योग को अपनाया जाए। पूरी दुनिया योग के साइंटिफिक एस्पेक्ट से आज के समय बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो ये हमारा अलग अलग समय में योग का क्या महात्म्य रहा उसके बारे में इसमें बताया गया था इस चैप्टर में। अब हम आते हैं स्ट्रीम्स ऑफ योगा, जो हमारी इसकी थर्ड यूनिट है ब्लॉक वन की। तो स्ट्रीम्स ऑफ योगा, योग की भिन्न भिन्न धाराएं, योग की भिन्न भिन्न धाराओं में हमें सुनने को मिलता है कि योग, जैसे मैंने अभी भी नाम लिया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, एक जी मैंने अभी बताया था भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीन धाराएं इसकी प्रमुख हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी सुनने को मिलती है। तो इसके अलावा समय समय पर मंत्र योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, इस प्रकार के अनेक अनेक और भी धाराओं को हमें सुनने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा आधुनिक योग में अनेक योगी साधकों ने अपने अपने अनुसार योग को अलग अलग स्ट्रीम्स दी, अलग अलग धाराएं दी। तो उसी के अनुसार आज अनेक और भी योग की धाराएं प्रचलित हैं आधुनिक समय में। हालांकि अभी उन्हें सभी योग की कम्युनिटी के द्वारा अभी प्रमाणीकरण नहीं प्राप्त हुआ है,
लेकिन कुल रूप से अगर मूल रूप से हम देखें तो योग की तीन धाराओं को हमें हमेशा ही प्रमाणिक रूप से मानना है, ये है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो अब हम तीन तीन धाराओं के बारे में जानते हैं, भक्ति योग में क्या है, ज्ञान योग में क्या है और कर्म योग में क्या है। इनके बारे में, भक्ति योग के बारे में हम किस प्रकार से समझें कि जैसे आपके टॉपिक पे लिखा हुआ है, भक्ति जो शब्द है ये बनता है भज सेव्यम धातु से। सेवा का जो असीम स्वरूप होता है, महर्षि पाणिनि जी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लहजे से रेफरेंसेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो भज सेव्यम धातु है ये महर्षि पाणिनि जी जो व्याकरण के जनक कहलाते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक कहलाते हैं, तो उनका जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, तो अष्टाध्यायी के अनुसार भज सेव्यम एक धातु है, उसमें भक्ति शब्द को परिभाषित किया है। इसके अनुसार सेवा की जो असीम ऊंचाई होती है वो भक्ति होती है। तो जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेवा में असीमता को प्राप्त करता है तो भक्ति योग की धारा की ओर बहता है। इसके बारे में और क्या बताया, ये जो भज सेव्यम है ये सेवा किस प्रकार से करे, ईश्वरोक्त वेद यानी जो वैदिक जो मत है उसमें मैंने बताया था कि वैदिक में मत में माना जाता है वेद ईश्वर की देन है। तो ईश्वरोक्त वेद में जो ऋषियों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, ऋषियों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए सेवा की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करना, जीवन को वैसा जीना। अब यहाँ सेवा का अर्थ हम इस प्रकार से नहीं ले सकते कि हम किसी पीड़ित व्यक्ति की ही सेवा कर रहे हैं। हमें जो इस महर्षि पाणिनि जी ने जो इसका सरलार्थ किया है वो इस प्रकार से है कि भज सेव्यम का अर्थ आप इस प्रकार से ना मानिए कि किसी को चोट लगी है तो ही आप उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, वही सेवा है। या किसी को बहुत भूख लगी हुई है आप उसको भोजन की व्यवस्था करके दे रहे हैं, वही सेवा है। किसी को पैसों की आवश्यकता दान दे रहे हैं, वही सेवा है ना। सेवा का अर्थ यहाँ पर है ईश्वरोक्त वेदों के में ऋषियों की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जीना। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लाइन हो गई है, ऋषियों की शिक्षा के अनुसार जीवन को जीना, वेदों के अनुसार जीवन को जीना, ये भज सेव्यम है और यही भक्ति योग है। तो ये योग की एक धारा होती है। अब इसमें अगर हम भक्ति योग की बात करें तो सेवा का सांसारिक अर्थ तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जीवन को सर्वोत्तम जीने का, जीवन को सर्वोत्तम रूप में जीने का जो तरीका वेदों के अनुसार है वो भक्ति योग कहलाएगा। इसमें कहीं भी हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए तीन दो प्रकार के भटकाव हमें आ सकते हैं। हमारा एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स के लिए मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भक्ति शब्द आ रहा है तो भक्ति शब्द का अर्थ हम कहिए ना मान लें कि हमारे मन में जो माता मीराबाई की जो छवि है कि हर समय बस वो भक्ति में रमे रहे, या संत रैदास जी की जो छवि है तो हम ये प्रकार से ना माने कि 24 घंटे उसी प्रकार की भक्ति में रमा रहे। भक्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर आया भज सेव्यम, भक्ति शब्द बना है भज सेव्यम से। भज सेव्यम का अर्थ भी यहाँ सेवा आ रहा है, तो सेवा शब्द से भी कंफ्यूज होने की बजाय यहाँ संस्कृत के मूल में हमें जाने की आवश्यकता है। और वहां बताया गया वेदों में जो ऋषियों की शिक्षा है उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की जो पद्धति हो सकती है, सर्वोत्तम जीवन जीने की, वही भक्ति योग है। इसलिए इसे तो थोड़ा सा स्पष्ट समझना पड़ेगा, यहाँ कंफ्यूजन के चांस दो प्रकार से बनेंगे, एक बार भी नहीं दो बार बनेंगे। एक तो भक्ति योग में भक्ति शब्द, दूसरा भज सेव्यम में सेवा शब्द। तो दोनों से आपको पार होना है, फिर हमें पता चलेगा जीवन को सर्वोत्तम रूप में वेदों के अनुसार जीना ही भक्ति योग है। फिर नारद भक्ति सूत्र में भी हमें पंच महाभाव भक्ति के जानने को मिलते हैं।
इसमें एक बड़ा विशेष आपने कभी सुना होगा, नवधा भक्ति। रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवत पुराण में हमें ये सुनने को मिलता है अलग अलग स्थानों पर। रामचरितमानस में इसका विवरण आता है, जब प्रभु श्री राम जी माता शबरी के दिए हुए झूठे बेर जब ग्रहण कर रहे थे, तब उनकी जो भक्ति थी, उनका जो समर्पण था, उसके प्रति वो बता रहे थे कि आपके जो जीवन में ये जो भक्ति है, ये 9 चरणों से गुजरी हुई होती है, तो इसे नवधा भक्ति कहते हैं। तो 9 चरण होते हैं, श्रवण, श्रवण यानी सुनना, श्रवण श्रुति भी कहते हैं इसे, श्रवण, तदोपरांत कीर्तन, अपने मुख से गाना, वर्णन करना, वर्णन करना। तीसरा होता स्मरण, उन्हें उनका स्मरण करना, उन चीजों को याद करना, संसार की सकारात्मकता को, परमात्मा के दी हुई सब पॉजिटिविटी को, परमात्मा के दिए हुए सब उपकारों को स्मरण करना। आद सेवन, चरणों की सेवा करना। अर्चन, अर्चना करना। दास्य, इसमें दास के रूप में, दास के रूप में सेवा करना। इसका उदाहरण हमें किस प्रकार से मिलता है? इसका उदाहरण हमें हनुमान जी में मिलता है, जो प्रभु श्री राम के दास के रूप में उनकी सेवा करते थे। फिर साक्ष्य, साक्ष्य में सखा रूप में, जैसे इसका वर्णन हम, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, हनुमान जी का भी ले सकते हैं, वो एक सखा के रूप में भी थे श्री राम जी के, और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं सुदामा जी के रूप में भी। सुदामा जी एक भक्त थे श्री कृष्ण जी के, और सुदामा जी साथ ही साथ, मतलब श्री कृष्ण जी को अपना भगवान स्वरूप मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको एक सखा के रूप में माना। ऐसे ही अर्जुन का भी ले सकते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी उन्हें सखा मानते थे, दोस्त मानते थे, लेकिन अर्जुन को जब ये ज्ञात हो गया था भाई ये तो भगवान स्वरूप है, तो एक भगवान भक्त का जो रिश्ता था वो सखा के रूप में भी रहा। तो इस प्रकार से साक्ष्य आता है। फिर आज का वंदन आता है, बस हम वंदना में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, और नोवा और अंतिम आता है आत्मनिवेदन। तो ये 8 है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंद, अर्चन, दास्य, साक्ष्य, वंदन और पाद सेवन, ये 9 नवधा भक्ति कहलाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, भक्ति योग का मूल है ये, और मैंने बताया इसका वर्णन 2 जगह आता है इसका रेफरेंस, रामचरितमानस में जब श्री राम जी का चर्चा चल रही होती है माता शबरी जी के साथ झूठे बेर खाने के समय, वो उन्हें उत्साह देते हैं, वो उन्हें दिलासा देते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने की बात करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं कि आप सामान्य नहीं है, आप भक्ति की पराकाष्ठा पर हैं। और दूसरा वर्णन इसका हमें मिलता है श्रीमद् भगवत पुराण में। इसी प्रकार से भक्त के 4 प्रकार के भक्त श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बताते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त वो होता है जो बिल्कुल निराशा में डूब गया होता है, निराशा में डूब गया होता है, बस अभी इसके परमात्मा के अलावा कोई सहारा है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, वो आर्त भक्त होता है। दूसरा जिज्ञासु, जो जानने कोशिश करता है, विश्वास नहीं होता उसे, वो विश्वासी नहीं है, श्रद्धा से भरकर नहीं है, वो बस जिज्ञासा के नाते आया है, ये सब हुआ तो कैसे हुआ, ऊपरी तौर पर सॉरी। तो जिज्ञासु के बारे में मैंने बताया, जिज्ञासु को हमें उतना ज्यादा क्यूरियस भाव से नहीं देखना चाहिए कि ये क्यूरियोसिटी के हाई लेवल पर, पीक पर है। जिज्ञासु माने एक ऊपर से देख रहा है, अभी उसको उतनी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है। तीसरा अर्थार्थी होता है, तीसरा भक्त है अर्थार्थी, अर्थ यानी जिसे अपना सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है, कि वो ऐसा भक्त है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं भक्ति पे रुकूंगा, इस प्रकार से थोड़ा, मतलब इसको सेल्फ इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं, स्वार्थी भी कह सकते हैं। तो अर्थार्थी वैसा होता है कि जिसे अपने काम से, अर्थ यानी अपने काम से होता है,
और ज्ञानी ये सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री कृष्ण जी बताते हैं। तो भक्ति योग में सबसे ऊंचा जो स्थान होता है वो ज्ञानी भक्त का, वो सच्चाई जानता है, वो सत्य से परिचित होता है और सत्य के प्रति सच्ची जिज्ञासा होती है, दूसरे से भिन्न, दूसरा केवल अपनी नॉलेज गेन करने के लिए जानना चाहता है, ये श्रद्धा से युक्त होता है और तब नॉलेज गेन करने के लिए जिज्ञासु होता है। तो ये भक्त भक्ति योग के प्रकार थे और भक्त के चार प्रकार थे। इसके बाद इसके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे जो सच्चा भक्त होता है वो जो भी हम पॉजिटिव गुण जिसके बारे में सोच सकते हैं, दयालु होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए और सकारात्मक बातें करने वाला, चीजों में सकारात्मकता देखने वाला, विनम्र होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, नए चीजों को जानने के लिए उसके मन में एक जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, शांत हो, विवेकी हो, इस प्रकार अपने सारे कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता हुआ चले, तो ये भक्ति योग है। दूसरा हम कर्म योग की ओर बढ़ते हैं। ये एक चीज ये भी याद रखनी कि मैंने हालांकि पहले शुरुआत में ही आज के लेक्चर की शुरुआत में इस चीज को मैंने बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में इन तीनों प्रकार की योगों के ऊपर एक एक चैप्टर है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो वही ये तीन कैटेगराइजेशन हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन मैंने इसके साथ ये भी बताया है आपको कि इन तीन योग के साथ साथ हमने लय योग, मंत्र योग, हठ योग आदि को भी बराबर का महत्व देते हुए आगे की जो हमारी सिलेबस में आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा हम कर्मयोग के ऊपर आते हैं। तो कर्मयोग के ऊपर हमें काफी कुछ जानने पढ़ने को मिलता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तत् कुल चाखा। ईश्वर ने सर्व कर्म प्रधान रखा है। कर्मयोग का जैसे हम कई बार सुनते भी हैं, किसी व्यक्ति के लिए एक एक उपमा हम लगा देते हैं, ये कर्मयोगी व्यक्ति है, वो कर्मयोगी है, ये जीवन में हमें कर्मयोग का सहारा लेना चाहिए। कर्मयोग यानी अपने कार्य में अपने आप को पूर्ण रूप समर्पित करते हुए, अपने कर्म में समर्पित करते हुए जो व्यक्ति लग जाता है तो वो कर्मयोगी होता है। तो इसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में भी आता है। ईशावास्य उपनिषद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 10 उपनिषद हमारे प्रमुख हैं 108 में से, तो उसमें से सबसे पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है, आपने जरूर सुना होगा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिथामा गृहस्थ स्वीजनम। तो उसका ही ये पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र में आता है, कुर्वन्नवेह कुरु कर्माणि द्वितीय विषयताम समय है, यानी अपने कर्म को समर्पण भाव से और ईश्वर प्रणिधान पूर्वक यानी ईश्वर को समर्पित करते हुए भाव से हम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, ये कर्मयोग ही है, ये कर्मयोग ही है। तो हम आज निश्चित रूप से आपकी कई प्रकार की भ्रांतियां टूट रही होंगी कि योग माने किस प्रकार का योग, योग में प्राणायाम, योग में आसन, इन चीजों की तो चर्चा ही नहीं हो रही, भक्ति की चर्चा हो रही है, कर्म की चर्चा हो रही है, ये भी योग के अभिन्न अंग हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये पिलर्स हैं योग के, जिनके ऊपर योग टिका हुआ है। तो ये कर्म योग है और गीता के अनुसार कर्म को 3 तत्वों में बांटा है, ये आपने जरूर सुने होंगे, राजसिक कर्म, सात्विक कर्म और तामसिक कर्म। यानी कर्म को अपने एक सेंस ऑफ ड्यूटी के रूप में हमें उसे फॉलो करना, एक मतलब ड्यूटी की सेंस हो हमारे मन में, तो वो जब हम करते हैं तो कर्म योग ही हो जाता है। उससे भी अब योग का जैसे मैंने सबसे पहले आज बताया था, मैं बार बार इसलिए चीजों को दोहरा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी योग में जिज्ञासु हैं लेकिन पहले से ज्यादा पढ़े हुए नहीं है योग में, तो इससे आपको बेसिक से शुरू और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो मैंने शुरुआत में बताया था योग की एक डेफिनेशन में आता है, योग है समाधि, महर्षि व्यास जी के अनुसार। तो समाधि तक पहुंचने का एक तरीका केवल योग, प्राणायाम, ध्यान करना ही नहीं है, समाधि प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका भक्ति योग भी है, एक तरीका कर्म योग भी है, एक तरीका ज्ञान योग भी है। तो कर्म योग में कोई व्यक्ति निष्काम कर्म के साथ समर्पित भाव से अपने कर्म को करता चल रहा है तो वो भी उसी प्रकार की अटेनमेंट अचीव करता चल रहा है जिस प्रकार की एक अन्य अभ्यासी, प्राणायाम अभ्यासी, ध्यान अभ्यासी भी कर सकता है। तो इसलिए
सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ। तामसिक कर्म क्या होते हैं? अब हम इसके तीन प्रकार की जो कैटेगरी श्री कृष्ण जी बताते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तामसिक कर्म वो होते हैं जो बहुत मोहपूर्वक किए जाते हैं, जिनमें डेल्यूजन होता है, जिनमें किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ होते हैं, प्रमाद के साथ होते हैं, आलस्य के साथ होते हैं, ऐसे कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। तामसिक कर्मों में इसके साथ साथ मतलब इसमें कईयों का औरों का नुकसान भी हमारे किसी और का नुकसान भी इसमें होता है तो होने दो, किसी और का इसके परिणाम स्वरूप हमारा भी नुकसान हो रहा है तो होने दो, इतना मोह उस कर्म के प्रति हमारा होता है। इसमें व्यक्ति जिसे कहते हैं कि ज्ञान से अंधा हो जाता है, सॉरी तो यानी अब इसमें तामसिक कर्मों में आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे चोरी का कर्म हो गया और जो भी जिन्हें अपराध स्वरूप मानते हैं वो सारे कर्म तामसिक में आते हैं। दूसरा राजसिक कर्म है। हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल, सो वॉइस इज टू लो। चित्रांशी आप एक बार अपने मोबाइल की चेक कर लें आवाज को, आवाज प्रॉपर। सर आई हैव चेक्ड इट बट द वॉइस इज वेरी लो। राजे एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा तो ज्वाइन करो, एक बार आप ना एग्जिट कर जाओ, दोबारा ज्वाइन करो। ओके सर। बाकी सभी को आवाज सही सुनाई दे रही है? ठीक है। निशा, मिचल, विशाली, सुनीता, अशिता, द वॉइस इज ऑडिबल। ओके बेटा, सर वो इसमें कभी कभी दिक्कत आ रही है बेटा, वो अपने एंड पे हो जाती है कभी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू डॉक्टर साहब, ठीक आ रही है। जी जी, तो हम बात कर रहे हैं कर्म योग की। तो कर्म में तामसिक योग तामसिक कर्मों को हमने पहचाना जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। दूसरे प्रकार के कर्म आते हैं राजसिक कर्म, और राजसिक कर्म किसी प्रकार की वापिस हम पे हमें हो, हम उसका चाहे हमें सम्मान मिले, चाहे हमें उसके बारे में धन मिले, तो हम किसी प्रकार की चाहना से युक्त होकर हम जो कर्म करते हैं कि हमें उसकी रीपेमेंट हो, तो वो राजसिक कर्मों में आता है। इसमें भी जब चाहना दिमाग में होती है और हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होना बुरा नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट हमारे दिमाग में हमारे एफिशिएंसी को, हमारे स्किल को जब वो इफेक्ट करता है तो हमारा वो राजसिक कर्म हो जाता है, तो कर्म में उतनी सात्विकता नहीं रहती। साथ ही साथ इसमें एक अहंकार का भाव भी होता है, ईगो का भी भाव होता है। जैसे आपने, जैसे हम इसका एक थोड़ा सा ग्रोस सा एग्जांपल देते हैं कि हमने कहीं डोनेट किया, कुछ भी डोनेट किया, हमने थोड़ा डोनेट किया, ज्यादा डोनेट किया, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव रहता है, अगर हमारे मन में ये भाव रहता है कि जितना मैंने डोनेट किया अब इसको खूब प्रचार प्रसार मिले, इसको बहुत ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, तो ये चीज एक राजसिक कर्म में आ जाती है, ये एक राजसिक कर्म में आ जाता है। तीसरा सात्विक कर्म, ये कर्म की सबसे ऊंची कोटि है, सबसे ऊंचा प्रकार है, सबसे ऊंचा स्टेप है। तो इसमें सात्विक कर्म में ना तो हमें रिजल्ट की अपेक्षा होती है, ना हमें रीपेमेंट की चाहना होती है, ना ही अहंकार होता है, ना ही प्रमाद होता है, ना आलस्य होता है, बस कर्म को सेंस ऑफ ड्यूटी से बस करना है, एग्जीक्यूशन काम होना चाहिए ये भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा सात्विक कर्म कहलाता है। अब एक ही काम को मैं तीनों उदाहरण में, जी मैम सुनीता आप अपनी बात को दोबारा से रखें, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा?
सर मैं बोल रही हूँ कि इसमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना साधक में। हाँ बिल्कुल, हाँ आपका एडोन हम स्वीकार करते हैं। सुनीता जी बता रहे हैं कि कर्म की इच्छा करते बिना मतलब हम इसको करते रहें, वो एक लाइन बिल्कुल सही है। तो इसमें हम एक ही उदाहरण से मैं तीनों चीजों को बताना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने दान वाला बताया, अगर इसको ही ले तो किसी भी चीज को हम ले सकते हैं। तो जैसे दान वाला उदाहरण लेते हैं, अगर व्यक्ति गलत स्थान पर दान देता है या दान के प्रति एकदम निराशावादी है, एकदम निराशावादी, तो वो कहलाएगा तामसिक। तामसिक जैसे दान ही आ गया, तामसिक दान कहलाएगा वो, निराशावादी, एकदम एकदम निराशावादी, गलत या फिर गलत जगह दे रहा है, जानबूझकर गलत जगह दे रहा है। जैसे टेररिस्ट फंडिंग होती है, आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है वो दान ही है, वो दान के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन वो तामसिक दान है। राजसिक दान, राजसिक दान के बारे में मैंने बताया, जिसके लिए हमारे मन में अपेक्षा हो कि इसके बाद मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा प्लेजर एंटरटेन करने को मिले, कि मुझे कुछ सम्मान मिले, कुछ मुझे कुछ मेरे लिए कुछ लोग ताजिया बजाए, कुछ मेरा कहीं नाम आ जाए, तो वो जो राज वो दान होता है वो राजसिक दान होता है। जैसे हमने कहीं पर भी दे दिया तो इतना बुरा नहीं है, तामसिक के मुकाबले कुछ अच्छा है। लेकिन सात्विक दान कौन सा होता है? सात्विक डोनेशन क्या होता है? जिसमें आप दान दे रहे हैं, आगे जो काम रुका हुआ है वो काम आगे बढ़ जाए। जैसे आपने कोई दान दिया, जैसे राजसिक में भी अगर आपने किसी कोई कमेटी को कोई दान दिया जो हेल्पलेस को मतलब या हंग्री पीपल्स को मतलब फीडिंग देता है, कोई खाना अवेलेबल करवाता है थोड़े कम से कम कीमत में, लेकिन आप अगर उसके लिए नाम चाह रहे हैं तो वो दान राजसिक हो जाएगा। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मेरा नाम हो या ना हो कोई बात नहीं, जो भूखे हैं उनके पास खाना समय पर पहुंच जाए, इसमें मेरे पास जो है अवेलेबल उसमें से मैं कुछ दे दूं, नाम की कोई चिंता नहीं है, तो वो सात्विक दान आ जाता है। तो ये तीनों में अंतर मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया। तो ये एक कर्म के तीन प्रकार हैं, और फिर ऐसे ही अलग अलग हमें कर्म योग के बारे में सुनने को मिलता है। वह श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, तैतरीय ब्राह्मण उपनिषद में आ जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे अभी सुनीता जी बता रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इस प्रकार से ये सारी चीजें ये कर्म योग में आ जाती है। तो अब हम अंतिम योग जो ज्ञान योग है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ज्ञान योग में हमें ज्ञान योग का अर्थ ये होता है अपना ज्ञान के जितने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के उसके वे ऑफ अर्निंग हो सकती हैं, वे ऑफ अचीवमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से योग को ज्ञान को हमें प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं, उससे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते चलना। अब जैसे अलग अलग प्रकार के साधन कौन से हो सकते हैं? स्वाध्याय, स्वाध्याय के दो प्रकार होते हैं। ये स्वाध्याय शब्द आपको और डिटेल में हम योग दर्शन के जब हमारे चैप्टर आएंगे, तो जब हमारे उसके लेक्चर होंगे तब उसके बारे में स्वाध्याय को हम और विस्तृत देंगे। तो स्वाध्याय का एक अर्थ तो ये होता है जो ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं उनका अध्ययन करना, और एक साथ ही ये अर्थ होता है अपना भी अध्ययन करना। अपना अध्ययन भी ज्ञान अर्जन ही कहलाता है। अपना अध्ययन कैसे? जैसे कई बार हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो वहां पर मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जब हम ऐसा मन में विचार करते हैं तो ये स्वयं का अध्ययन करना होता है कि क्या मैंने उस समय जो बोला वो ज्यादा एग्रेसिव भी था, क्या मैंने जो उस समय बोला क्या वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इस प्रकार से स्वयं का समय समय पर अध्ययन करते रहना कि मैंने उस चीज को देखा तो मेरे मन में ये विचार आया, तो इस प्रकार से समय समय पर अपना अध्ययन करते रहना ये ज्ञान अर्जन करने का साधन है, ये ज्ञान योग है। तो योगियों के लिए, ऋषियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, और अधिकतर योगी जो हमें जिस प्रकार की योगियों की हमारे मन में छवि है, हमें वो ज्ञान योगी ही मिलेंगे। जो संत महात्मा आदि हम देखते हैं जो या तो साधना में लीन होते हैं अथवा अध्ययन में लीन होते हैं,
चीजों का बहुत बारीकी से, व्यक्ति व्यक्ति का और स्वयं का भी बारीकी से अध्ययन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं हाउ थिंग्स गो इन द वर्ल्ड, हाउ द थिंग रन, तो कैसी चीज सारी चल रही है, कैसे मतलब लोग व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बिहेव करते हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों के ऊपर बारीकी से नजर रखना, ये ज्ञान योग है। तो तीन चीजें हमने इसमें देखी, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। तो अब हम ये योग के तीन प्रकार हमने इसमें देख लिए हैं और अब हम इसके और मैंने इसमें बताया कि ये तीनों चैप्टर्स के रूप में हमें मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में। ज्ञान के बारे में हमें विवेक, जैसे इसकी अलग अलग साधना के प्रकार होते हैं ज्ञान से, तो उसमें हमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व, ये ज्ञान योग की साधना के हमें पहले तो बहिरंग की साधना होती है उसका एक प्रकार होता है। जैसे ज्ञान योग की साधना दो प्रकार की मैंने बताई, एक तो बाहर से करने की है, बाहर से करने में जिसमें हम बाहर किताबों का अध्ययन करते हैं, किताबों का अध्ययन के साथ साथ विवेक, चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना, सही गलत की पहचान करना, उनके भीतर बारीक से बारीक डिफरेंस की, सटल डिफरेंस की भी पहचान करना, ये विवेक के अंदर आता है। ये इसके बहिरंग जो साधना होती है उसके पिलर्स हैं। फिर वैराग्य, चीजों के प्रति कंप्लीट डिटैचमेंट की भावना की ओर अग्रसर होना, कंप्लीट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट वैराग्य एक बहुत बड़ी शक्ति योगी की होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अटैचमेंट में होता है, मोह में होता है, मोह में व्यक्ति असल में चीजों को सही सही देखता हुआ भी सही डिसीजन नहीं कर पाता। इसका एक उदाहरण, इसके वैसे हमें इतिहास में देखे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा उदाहरण हमें मिलता है महाराजा धृतराष्ट्र जी का, जो महाभारत कालखंड में, जब धृतराष्ट्र जी एक वैसे अच्छे विद्वान थे, अपने राज्य की बड़ी सेवा कर रहे थे, लेकिन अपने पुत्र मोह में उन्होंने एक मतलब इतना बड़ा जो युद्ध हुआ जिसमें लाखों करोड़ों योद्धाओं का रक्त बहा, तो ऐसे युद्ध को वो रोक सकते थे, लेकिन मोहग्रस्त होने की वजह से, वैराग्य की प्राप्ति ना होने की वजह से, वो कंप्लीट डिटैचमेंट ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पूरी उस समय की लोगों को भुगतना पड़ा। इसके बारे में हम योग सूत्र में पढ़ते हैं, दृष्टान स्वभिक विषय भी कृष्ण से वशिकार संध्या वैराग्य, ये वैराग्य की परिभाषा में भी आता है, इसके बारे में हम योग सूत्र में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर षट संपत्ति आता है, षट संपत्ति, षट यानी छह संपत्ति साधक की होती है, छह संपत्तियां होती हैं जिसमें शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। शम यानी अपने जो सेंसेस हैं, अपने जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको कंट्रोल करना। दम यानी एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उन्हें मतलब दबा देना। शम और दम में डिफरेंस समझिए, शम यानी कंट्रोल करना ऊपरी तौर पर, और दम यानी उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर बिल्कुल दबाने की कोशिश करना। और उपरति का अर्थ जो वैराग्य है इससे मिलता जुलता है, जो बाहर की चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, उनसे कुछ समय समय पर जितना हो सकता है डिटैचमेंट की भावना को बार बार जागृत करना। चौथा है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा अपने जो मुख्य लक्ष्य है समाधि का, उसके प्रति बिल्कुल एक तक हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध रहे, उसमें कहीं किसी प्रकार का दूसरा ऑप्शन ना रहे, विकल्प रहित हम रहे, समाधि के प्रति बिल्कुल अनवेवरिंग फोकस जिसे बोलते हैं वो हमारा होना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा का शब्द का वही अर्थ है जो हम समझते हैं, ये हमारा डिवोशन होना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा सीखा है उसमें हमारा डिवोशन हो। और समाधान यानी कम, ये समाधान का शब्द का अर्थ वो नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, समाधान का यहाँ पर अर्थ है एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन, ये समाधान यहाँ पर षट संपत्ति में आता है। और मुमुक्षुत्व का अर्थ है
कि मतलब बहुत तीव्र इच्छा होना। यहाँ पर योग सूत्र में 21वां जो एक सूत्र है योग दर्शन का, उसमें आता भी है पहले पाद में तीव्र संवेगानाम आसन में, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जितनी तीव्र इच्छा होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, वो उतना ही जल्दी उस चीज को प्राप्त कर पाता है। यानी मुमुक्षुत्व चीजों को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। और किस चीज को प्राप्त करने की यहाँ बात हो रही है, समाधि को, योग का अर्थ है समाधि। तो ये पहला जो बहिरंग है ज्ञान योग की साधना का, उसका मैंने बताया। और अंतरंग योग जो दूसरा, अंतरंग साधना के जो ज्ञान योग का दूसरा हिस्सा है, उसके भी चार हिस्से होते हैं, उसके भी चार सब कैटेगरीज होती हैं। श्रवण, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है, वो वही श्रवण है, भक्ति योग में हमने चर्चा की थी। श्रवण यानी बहुत ध्यान पूर्वक चीजों का सुनना, मनन उसका विचार करना, निधिध्यासन वो जो विचार किया है उसको आचरण में धारण करना, जो भी विचार किया है, और आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार यानी समाधि की उच्च अवस्था, जहां पर हम अपने सही स्वरूप को देख पा रहे हैं। ये ज्ञान योग की कुछ विशेष अवस्थाएं थी जो मैंने बताई आपको। ज्ञान योग में दो प्रकार की साधनाएं, अंतरंग साधना और बहिरंग साधना। अब हम अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। क्या इस मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो भी हो आप बीच बीच में लिख लीजिए, फिर लास्ट में सबको मतलब एक साथ हम आपके चैप्टर आपके वो क्वेश्चन ले लेंगे। अब इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन, ट्रू नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। मिसकंसेप्शन बहुत प्रकार की भ्रांतियां योग के बारे में है, वो आपका जो बुक है पीडीएफ है, आप उसको साथ साथ चलाएं तो मैं इसमें पढ़ के कर दूंगा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट मिसकंसेप्शन को आप पढ़ के साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए इसके मिसकंसेप्शन के ऊपर आते हैं। देखिए योग और ध्यान अलग अलग है, पहला बिंदु है योग और ध्यान अलग अलग है। ध्यान योग का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले मिसकंसेप्शन, तो जैसे आज पूरे ही लेक्चर में मैं बीच बीच में बताता रहा कि योग की प्रति हम सबके मन में अलग अलग प्रकार की एक इमेज है, योग माने प्राणायाम, योग माने इस प्रकार की मुद्रा किया हुआ बैठा एक योगी, योग माने सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहा एक व्यक्ति, ऐसा नहीं। योग ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान योग का एक अंग है। इसके अष्टांग योग के आठ अंग होते हैं, मैं पतंजलि जी ने बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से शुरू के जो पांच होते हैं वो अंतरंग योग होते हैं, और अंतिम तीन धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहिरंग योग होते हैं। तो ध्यान साधना, योग साधना का ही एक हिस्सा है, ध्यान और योग को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग आर सेपरेट ब्रांचेज ऑफ योगा। जैसे अभी हमने तीन प्रकार के योग के बारे में पढ़ा, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। अब इसका अर्थ, जैसे मैंने बीच में एक बार संकेत भी किया था, कोई व्यक्ति ज्ञान योग की साधना में लग रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा, अपनी साधना पर लग रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है वो भक्ति से और कर्म से पूर्ण रूप से निवृत्त ही रहेगा, बिल्कुल भिन्न रहेगा, ऐसा नहीं होता। ज्ञान योग में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग से भी जुड़ा हुआ है, और भक्ति योग वाला भी कर्म योग और ज्ञान योग से जुड़ा हुआ है। जैसे हम श्री कृष्ण जी भी अर्जुन जी को बताते हैं कि कर्म किए बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता, आपकी जो सांसों का आवागमन चल रहा है ये भी तो कर्म ही है, जो मन में विचार आ रहा है ये भी एक कर्म ही है, आंखें कुछ देख रही हैं ये भी एक कर्म ही है, कान कुछ सुन रहे हैं ये भी एक कर्म ही है। तो कर्म के बिना तो जीवित व्यक्ति रह ही नहीं सकता, तो कर्म तो होगा ही। इसी प्रकार जब हम कर्म में आगे बढ़ते हैं तो वहां हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन और हमारी डिवोशन भी साथ में चल रही होती है, तो तीनों एक साथ ही चलती है, ये इसमें बताया है। योग के ही तीनों हिस्से हैं, प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग एंड कर्म योगा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे।
ये भी आजकल एक काफी प्रचलित वाक्य है कि सुबह सुबह योग करें और पूरे दिन फिर कर्म योग करें। लेकिन अब जब हम टेक्स्चुअल योग को पढ़ रहे हैं, ग्रंथ अनुसार योग को पढ़ रहे हैं, तो योग का अर्थ हम वो नहीं ले सकते कि सुबह हमने एक घंटा आसन प्राणायाम और कुछ सूर्य नमस्कार, कुछ एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह किया। योग का अर्थ ग्रंथ अनुसार 24 घंटे की प्रक्रिया है, जहां पर नींद भी योग अनुसार होती है, जहां पर भोजन भी योग अनुसार होता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुखाः। तो जहां पर भोजन भी योग के अनुसार है, जहां पर निद्रा भी योग के अनुसार है, जहां पर वाणी भी योग के अनुसार है, इस प्रकार से। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि सुबह सुबह का एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा किया हुआ योग ही योग है ना, पूरे दिन ही योग। योग एक स्थिति है, उसमें रहना है, या योग एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है, तो प्रति सेकंड ये ऐसे ही रहता है। चौथा मिसकंसेप्शन है योगा मतलब आसन, ये मैंने अभी भी बता ही दिया, ये आ भी गया है, पॉइंट में भी आ गया है, आसन प्राणायाम ध्यान और अदर, तो ये योग नहीं है, केवल यही योग नहीं है। ध्यान मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन आर द सेम। ये बिंदु मैं थोड़ा यहाँ मतलब इलेबरेट कर देता हूँ, हालांकि इसका बहुत एक गहरा डिस्कशन लेने की आवश्यकता है। बिंदु बहुत योग के बारे में हमारा इमेज को बदल देने वाला हो सकता है, इसका एक बड़ा लेक्चर के रूप में तो हम योग दर्शन में लेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। ध्यान मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पहली स्टेप है, कॉन्सेंट्रेशन पहली स्टेप है। फिर कॉन्सेंट्रेशन भी वेवरिंग होती है, यानी जैसे लहरें झूलती हैं, लहरें इस प्रकार से हिलती रहती हैं, तटस्थ नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कई बार स्थिर नहीं रहती। कॉन्सेंट्रेशन जब और डीपर होती है और गहरी होती है तो मेडिटेशन की तरफ बढ़ती है। मेडिटेशन में अधिकतर बार हम उपयोग करते हैं सांसों पर, सांसों के ऊपर हमारा फोकस या सांसों के ऊपर हमारी कॉन्सेंट्रेशन, वो मेडिटेशन आमतौर पर कहलाती है, लेकिन कंप्लीटली वही है ऐसा नहीं है। मैं और इसकी व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें समय में पूरा समय गंवाना नहीं चाहता। और ध्यान, ध्यान तो एक तत्व के ऊपर, एक वृत्ति के ऊपर लंबे समय के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन हो गई, वो ध्यान कहलाता है। तीनों सेम नहीं है ऐसा इसमें बताया है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, एक डेफिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन 100% यही सत्य नहीं है, क्योंकि हमने योग की और भी डेफिनेशन देखी, जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध भी योग बताया है, कर्मशु कौशलम भी योग बताया है, समत्वम योग उच्चते भी योग बताया है, तो सारी अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ, ये एक अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मुक्ति या जिसे हम मोक्ष कहते हैं, कैन बी अटेंड इन अ सिंगल बर्थ, एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब ये विषय थोड़ा सा टेक्चुअल के साथ साथ एक्सपीरियंस वाला भी हो जाता है, तो मुक्ति एक ऐसा विषय है जिसको हमने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है, तो इसके बारे में बहुत बड़ा क्लेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसा हमने पढ़ा समझा है, अगर मैं उसके अनुसार बताऊं तो ये जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है, न जाने कितने सैकड़ों या हजारों वर्षों से। अब कोई री इंकारनेशन में मानता है या नहीं मानता, पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में मानता है नहीं मानता, वो अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन जब हम योग को पढ़ रहे हैं और ग्रंथों के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो उसमें री इंकारनेशन एक फैक्ट है, ये तथ्य है, ये होता है। तो उसके अनुसार अगर हम वो मान के चले, तो महर्षि पतंजलि जी ने कर्म को चार प्रकार के कर्मों में बताया है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। तो मुक्ति एक लंबा समय देती है, और एक कर्मों को क्यों डिस्क्राइब किया यहाँ पर, क्योंकि जो व्यक्ति शुक्ल कर्म बार बार ज्यादा ज्यादा करता है, उसका वो मुक्ति के उतने ही पास पहुंचता जाता है। कृष्ण कर्म यानी मीन्स इसको हम तामसिक कर्म भी बोल सकते हैं, जो मतलब बुरे प्रकार के कर्म होते हैं, जितना करता है
पाप कर्म इसमें लिखा हुआ, पाप कर्म सिंपल एक्शन, ये जितना करता है वो उतना उतना मुक्ति से दूर होता जाता है और ज्यादा नीचे गिरता जाता है। इस प्रकार से मुक्ति केवल एक जन्म में मिल जाए ऐसा नहीं है, ये हमारे इस जन्म के बाद अगले जन्म में, इस जन्म में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसका रिजल्ट कुछ हमें अगले जन्म में भी मिलता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर संकेत की है। ये फिर 1 आवर ऑफ योगा इज इनफ फॉर द डे, ये मैंने पहले बता दिया। योगा इज द अल्टीमेट डिस्कवरी ऑफ हिंदूज टू द वर्ल्ड, ये भी मैंने इसका एक इंडिकेशन मैंने पहले किया था। और हमें ऐसा मानना चाहिए, हमें किसी प्रकार की एक्सट्रीमिटीज में ना रहते हुए, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी में ना रहते हुए कि हमारे हम हिंदुओं का ये योग का ज्ञान दुनिया को दिया हुआ है, इस प्रकार की हमारी संस्कृति नहीं है, ऋषियों की देन है और सारे संसार को एक बराबर रूप में देन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से है कि संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी मत संप्रदाय पंथ को मानता हो वो योग को ग्रहण करे, क्योंकि योग मानवता के हित में है। 10वां बिंदु है, योगा एस्पिरेंट मस्ट अबाइड इन रिचुअल्स लाइक पूजा पाठ, यानी एक योगा का जो साधक है पूजा पाठ में और इस प्रकार की परंपराओं में खुद को बांध के रखे। तो ऐसा नहीं होता है, पूजा पाठ करे या ना करे वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले बताया कि अपनी स्वयं का अध्ययन करता हुआ चले, वो उस प्रकार से अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता हुआ चले। महर्षि पतंजलि डिस्कवर्ड योगा, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि योग का उद्भव वेदों से है, शुरुआत से है, हिरण्यगर्भ से वो परंपरा चली हुई, फिर ऋषि अग्नि आदित्य, ऋषि अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के माध्यम से चारों वेदों से होते हुए, फिर विवस्वान महर्षि मनु, फिर इक्ष्वाकु, एक परंपरा वो थी, दूसरी आदि योगी शिव के माध्यम से, फिर गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ से होती हुई। तो महर्षि पतंजलि जी ने तो केवल उनको रिकलेक्ट करने का काम किया है। योग इज फॉर भोग, हाँ कई ये लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि योग करके मैं अपने शरीर को ठीक इसलिए कर लूं ताकि अधिक से अधिक चीजों को मैं कंज्यूम कर सकूं, ताकि मैं कुछ भी, मतलब जो हमारे टेस्ट के लिए अधिक से अधिक चीजों को मैं उपभोग करूं और बीमार ना हूं। जैसे और अच्छा इसका उदाहरण, बिल्कुल ग्रोस एग्जांपल अगर मैं इसका दूं कि किसी व्यक्ति को ये डर है कि मैं ज्यादा मीठा खाता हूं तो मेरा मीठा खाना ना छूटे और मेरे को डायबिटीज भी ना हो, तो मैं योग करता रहूं ताकि मैं ज्यादा ज्यादा मीठा भी खाता रहूं, मेरा मीठा खाना ना छूटे। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ये उनके मन की भ्रांति है। योग इस पर्पज के लिए नहीं बना है, योग समाधि के लिए है, योग फुल डिटैचमेंट के लिए है, योगा क्योर्स डिजीज, ये एक मिसकंसेप्शन, क्योंकि योग का जो प्रमाणिक लक्ष्य है, योग का जो आत्यंतिक लक्ष्य है वो समाधि है, वो कंप्लीट प्योरिटी है। लेकिन हाँ ये एक जरूर है कि आज के समय योग अभ्यास के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, जो अलग अलग प्राणायाम हैं, वो एज ए थेरेप्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट भी काम आ रहे हैं, वो साथ ही साथ बीमारियों को भी दूर करने के काम आ रहे हैं। लेकिन योगा 100% सभी बीमारियों को ठीक कर देता है ऐसा नहीं है, तो इसको भी एक मिसकंसेप्शन में रखना है। ये मतलब एकदम क्लियर मिसकंसेप्शन नहीं है, इसमें कहीं कहीं सच्चाई भी है कि योग सच में कुछ बीमारियों को दूर करता है, कुछ बीमारियों को, लेकिन सभी बीमारियों को दूर करने का पर्पज से वो नहीं बना है। उसका पर्पज एकदम क्लियर होना चाहिए, समाधि, मोक्ष, मुक्ति, कुछ भी कंप्लीट प्योरिटी कुछ भी हम कह सकते हैं। योगा इज ओनली प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, ऐसा होता तो योग के इतने ग्रंथों का शायद कोई काम नहीं होता। हालांकि योग की शुरुआत हमेशा से थ्योरेटिकल नहीं रही है, योग में बहुत कुछ खुद के पढ़ने का, स्वाध्याय मैंने जैसे बताया, स्वाध्याय यम नियम का एक हिस्सा होता है, तो वहां पर स्वाध्याय यानी अपना अध्ययन करना और अस्थि पुस्तक अध्ययन करना भी योग का एक हिस्सा बताया है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन हमें अपने मन से निकालना चाहिए। 15वां बिंदु है,
योग साधक नीड टू फॉलो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। जैसे कि भाई किसी प्रकार की कई लोग माला डाल के रखते हैं अपने गले में, यहाँ माथे पर त्रिपुंड रचा कर रखते हैं, यहाँ बाजुओं पर कुछ माला आदि लगा के रखते हैं, तिलक है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं या भगवा रंग के वस्त्र हैं, हाथ में चिमटा है या कमंडल है। इस प्रकार का जो ड्रेसिंग सेंस है ये कंपलसरी नहीं है योगी के लिए। कंपलसरी क्या, कोई इसका औचित्य भी नहीं है, वो एक अलग परंपरा है और उसका योग से 100% कोई लेना देना नहीं है। ए योगी शुड हैव स्लिम बॉडी। ये भी बात यहाँ पर भ्रांति में इसलिए डाली है क्योंकि आप योगी की पहचान इसलिए, मतलब हम किसी की इग्नोरेंस योगी की इसलिए नहीं कर सकते कि भाई आपके पास एकदम फिट स्लिम बॉडी नहीं है। वो कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने भक्ति योग देखा, तो भक्ति योग में अगर हम देखना चाहें, कोई आवश्यक थोड़ी ना है कि ऐसे भक्ति योग किसी साधक का या ज्ञान योग किसी साधक का, कर्म योग किसी साधक का शरीर एकदम स्लिम मिले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उनका शरीर, शरीरम साध्यम खलु धर्म साधनम, ये बात सही है। धर्म की साधना के लिए, धर्म का मोक्ष, योग, भक्ति सब की साधना के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य का कदापि मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर एकदम स्लिम ही हो। और स्लिम शरीर ही 100% हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी का परिचायक है, ये भी कदापि सत्य नहीं है। दोनों चीजों में अंतर करना हमें सीखना होगा। तो हाँ, अगला 17वां बिंदु है, योगा साधक नीड टू रिनाउंस होम एंड पर्सनल रिलेशन। मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि योगा साधक को घर और अपने मतलब जो व्यक्तिगत संबंध है वो सब तोड़ के छोड़ के चलना पड़े, वो ये भी इसमें एक भ्रांति बताई है। योगा शुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेक्टेंट मदर, यानी जो गर्भवती माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको योग छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो योग अभ्यासों में होती हैं जो उनके लिए अच्छी होती है। तो मिसकंसेप्शन है, जैसे इसमें बटरफ्लाई पोस्चर दिखा रखा है, तो बटरफ्लाई पोस्चर बहुत अच्छा होता है डिलीवरी पर्पज के लिए। और कई ऐसे प्राणायाम होते हैं जो उनको मेंटली बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रेस उस समय जनरेट हुआ हुआ होता है या टेंशन होती है उस सब से निकालता है। अगला पॉइंट है, पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट योगा आर आल्सो लिविंग लॉन्ग लाइफ, डूइंग योगा इज ए प्लस मैटर बट इट इज नॉट एवरीथिंग। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले जो हमने योगा का लक्ष्य है ना, अगर वो हमारा मन में क्लियर होगा तो हमें सारे मिसकंसेप्शन से हम दूर रहेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि बिना योगा किए भी जिनको योग के बारे में कुछ पता ही नहीं वो भी बहुत लंबी लंबा जीवन जीते हैं। और योगा करना एक अच्छी बात तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो योग का कभी भी लक्ष्य लंबा जीवन नहीं रहा है। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं लंबा जीवन आपको प्राप्त होगा इसलिए योग कीजिए, ऐसा नहीं है। तो योग का तो मैं बार बार बता चुका हूँ, योग का तो क्या हमारा लक्ष्य है, डूइंग योगा इज नॉट इम्पोर्टेंट हैबिट लिव्स फॉर 15 इयर्स। ये फिर वही बात बता रहे हैं कि योगा जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि खरगोश 15 साल जीता है और खूब एक्टिव रहता है, और ये कछुआ, इसका वही अर्थ है कि वही लंबा। ये आपका ये मतलब कुछ मिसकंसेप्शन थे इसमें बीच, तो ये आपने यहाँ पर ये पूरे होते हैं। फिर इसका ट्रू नेचर ऑफ योगा, इसमें हमारे के जो 195 वर्सेज हैं, सूत्र हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। 4 इसके अर्थ होते हैं, 4 इसके संप्रजात समाधि है, संप्रजात समाधि, ये सारी चीजें अभी हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में जब तक नहीं समझी जाएंगी तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। तब योग दर्शन का विषय है इसमें। योग दर्शन में देखिए, योग दर्शन निश्चित रूप से योग का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और अगर हमें किसी एक ग्रंथ को सुनना हो योग की दिशा में तो वो योग दर्शन ही होगा।
इसमें कुल मिलाकर चार अध्याय हैं और चार अध्यायों में 195 सूत्र हैं। चार अध्याय हैं जिसमें से सबसे पहला समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये चार इसके चैप्टर्स हैं। इनको पाद कहा गया है, यहाँ पे पाद यानी चैप्टर स्टेप, पाद संस्कृत में पाद पैर को बोलते हैं, तो स्टेप है ये। तो पहले में 51, फिर 55, फिर 55 और लास्ट में 34, ऐसे वर्सेज इसमें अलग अलग है। अब इसके अनुसार योग में, योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। और चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती है तो योग में क्या घटनाएं होती हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के उपाय क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमारे डेली लाइफ की उसके बीच में हर्डल्स बनती हैं और क्या क्या चीजें उसमें हेल्पफुल बनती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आगे दिया हुआ है। तो योग दर्शन को मेरे ख्याल से अभी हम योग दर्शन को छेड़ेंगे नहीं, वो नेचर ऑफ योग के बारे में मैंने आपको शुरुआत से बता ही दिया था। और ये सारे जो मिसकंसेप्शन है इसकी चर्चा करते समय नेचर ऑफ योगा हमें बिल्कुल क्लियर हो भी चुका है कि योग का लक्ष्य क्या है, योग कैसा होता है और हमारे मन में जो योग की इमेज है उसको, या दुनिया के मन में जो योग की इमेज है उसको किस प्रकार से और ज्यादा सटलाइज हम उसको कर सकते हैं। तो अब जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं इनमें से आप सभी विद्यार्थियों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसमें से आगे आगे पूछ सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आने वाले चैप्टर्स में रिलेट करेगा तो उसको हम डिटेल में वही चर्चा करेंगे, यहाँ पर केवल थोड़ा चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए अभी प्रश्न उत्तर का जो स्तर है वो ओपन है, आप लोग अपने स्वेच्छा अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। निचल, विशाली, निशा, सुनीता, वीरेंद्र, अशिता, चित्रांशी, किसी के कोई संदेह हैं? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है चलो सभी अपने वीडियो ऑन करके ना आज अपना परिचय दो कर, अपना अपना परिचय देने का प्रयास करें जिनके पास समय है, जो सुन पा रहे हैं हमें। निचल जी, वीरेंद्र, वीरेंद्र बोलिए। एट जॉब इन पोर्ट ब्लेयर, आई एम डूइंग सर्टिफिकेट इन योगा फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। तो अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर। और कोई बच्चा अपना परिचय देना चाहे? वीरेंद्र जी, यू केम इन बिटवीन द क्लास, have you cleared all the topics, have you got all of them? Today joined the class late, so I remember today is the last day and I joined between the class. Next time I will join the first from 10. सभी का अभिनंदन है, समय के अनुसार जुड़ेंगे तो देखिए आपका ही कार्यक्रम है और आपके लिए ही है ये, तो अच्छा लगेगा। इसमें मिचल का भी, निशा का, सुनीता का, अशिता, चित्रांशी, वीरेंद्र, हम आपका दिल की गहराई से अभिनंदन भी करते हैं, आशा करते हैं कि आप प्रातःकाल समय पर जी। मिचल मिचल बोलिए। यस सर। हाँ, वीडियो ऑन करो, अच्छा लगेगा, मैं एक आप लोग की पिक लेना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर डालने के लिए। गुड, सुनीता, सीता, अगर आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। वीरेंद्र अगर आप भी कर सके थोड़ी देर के लिए जी। ओके सर। असीता और चित्रांशी, सुनीता अगर आप भी सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, आप सभी का अभिनंदन भी है। अगर कोई विद्यार्थी कुछ बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है।
not only question if any of you have any kind of suggestion for the about lecture or any kind of improvement and you want to see in the next chapter, you can suggest सॉरी सर काफी लंबी है इम्पोर्टेंट होना चाहिए था वीरेंद्र आपका प्रश्न थोड़ा सा कट गया था सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है सर प्रैक्टिकल रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि योगा मोस्टली प्रैक्टिकल पे ज्यादा डिपेंड करता है प्रैक्टिकल का सेशन आपके एग्जाम के बाद होने वाला है तो ये प्रोग्राम टाइप की रहेगी थैंक यू मैम बोला अगली बार एग्जाम देंगे सर दो सब्जेक्ट आपका 1 और 2 है ना अभी उनके ऊपर कार्य चल रहा है अभी 1 की क्लासेस चलेंगी फिर 2 की चलेंगी फिर जो प्रैक्टिकल है वो आफ्टर एग्जाम होगा ओके सर ओके और कोई विद्यार्थी अपनी बात रखना चाहे मिचेल के लिए तो मैं खासतौर पर बोलना चाहूंगा ये सबसे पहले जुड़ी थी हमारे साथ और इसके जुड़ने से हमारा उत्साहवर्धन हुआ सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम सोच रहे थे कि निलेश जी और मैं ही एक दूसरे का लेक्चर ना सुने और आप सभी आए आप लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की अपना ज्ञानवर्धन किया हम आपका एक बार दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के माध्यम से और आशा करता हूँ कि कल प्रातः आप सभी जुड़ेंगे पुनः और कोई और भी आपके मित्र है जो जुड़ा हुआ है योग से और वो इसमें जुड़ना चाहता है ज्ञान वर्धन करना चाहता है तो उसका भी अभिनंदन रहेगा ले जी आपका एक बार पुनः धन्यवाद भी है आपने इतना हमें ज्ञानवर्धन प्रदान किया है और आशा करते हैं कि कल भी हम समय पर इसी प्रकार से इस कार्य को और जारी रखेंगे धन्यवाद आप सभी का नमस्कार धन्यवाद सर थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, sir.